all great. So today I'm gonna teach you the sandhi second part. Okay, so this one, swar sandhi. I told you swar sandhi before. The swar sandhi, now what is the swar? Swar means vowels, correct? So now swar ka swar kya kya hai, yahan pe dekho, a e I o a i. So ye aapka, so this is whatever I have given, like o. Oh, so these all sandhi, sorry, swar, जो 11 स्वर है हमारा, ये हमारा स्वर है. अब इसका हम स्वर संधि कैसे, स्वर संधि कितने प्रकार के हैं? नाउ, सो बिफोर, संधि कितने प्रकार के हैं? यू नो संधि इज अ थ्री टाइप्स ऑफ संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि. नाउ स्वर संधि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ, ओके, अब स्वर संधि कितने प्रकार के हैं? स्वर संधि 5, जैसे फर्स्ट दीर्घ संधि, ओके, द सेकेंड वन कुंज संधि, थर्ड वन वृद्धि संधि, फोर्थ वन यान संधि और फोर्थ वन अयाद संधि. ओके, सो नाउ विभाजन, इसे हम कैसे विभाजन करते हैं? जैसे द फर्स्ट वन दीर्घ, ओके, दीर्घ संधि. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर यू दीर्घ मतलब क्या है. सो दीर्घ यहाँ पे, जैसे कि यहाँ दीर्घ कौन कौन सा स्वर होगा, जैसे आ ई ओ, जैसे ए आई ओ आ, सो ये सब दीर्घ हो, दीर्घ में आता है. सो दीर्घ में आता है, दीर्घ का मतलब जिसका उच्चारण लेना आपको दुगुना लेना पड़ता है, यानी कि बहुत डबल लेना होता है, कि आ ई ओ इस तरह से हमें साउंड करना. सो ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर का मतलब होता है जो स्वर आपको मतलब ज्यादा साउंड उच्चारण करने की जरूरत नहीं है, उसे ज्यादा लंबा नहीं लेते, जैसे अ ई, जैसे कि फर्स्ट वन अ ई. सो दिस आर, ये चार, क्या 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 है ये? ह्रस्व स्वर. सो दिस आर ह्रस्व स्वर और दिस आर दीर्घ स्वर. सो दीर्घ स्वर है, अब हम इसे विभाजन करेंगे, क्योंकि हमें दीर्घ संधि बनाना है. दीर्घ संधि है क्या? सो दीर्घ संधि में हमने यहाँ से ह्रस्व स्वर ले लिया, जैसे कि आ का आ, ई का ई, ओके, ई का ई बनता है. जैसे जो भी वर्ड आता है, व्हेन यू आर गोइंग टू संधि विच्छेद करोगे, आप संधि विच्छेद करते समय यू हैव टू रिकॉग्नाइज द साउंड, जो लास्ट जो साउंड आएगा उसे आपको रिकॉग्नाइज करके ही आपको आप उसे विच्छेद, संधि विच्छेद कर सकते हैं. और ई का हो गया ई, और ऊ का ऊ, री का री, ओके, री का री, आ का आ, ई का ई, ऊ का ऊ, री का री. सो नाउ लेट मी सी इसे हम किस तरह, सम एग्जांपल आई विल गिव यू हियर, दैट इज एग्जांपल सर. लाइक दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में आप जैसे कि वार्तालाप, द फर्स्ट वन वार्तालाप, ओके, वार्तालाप. सो वार्तालाप में अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या है वार्तालाप में. द फर्स्ट हम इसको विच्छेद करते हैं, वार्ता प्लस आलाप, हाँ आलाप, वार्ता प्लस आलाप. अब हम देखेंगे यहाँ पे आ है और यहाँ पे आ है, सो कि आ प्लस आ. सो जब व्हेन यू आर गोइंग टू मेक, अब आ को निकाल कर वार्ता ला लिखते हो, इस तरह से आपको विच्छेद करना है. यू हैव टू दैट बिफोर ऑलवेज यू रिमेम्बर आ ई ऊ री, आ ई री, सो दैट इज ऑलवेज यू रिमेम्बर इन अ दीर्घ संधि. ओके, दीर्घ संधि में जो साउंड वहां आता है, अभी उसी तरह मुनीन्द्र, मैं फिर से लिखती हूँ, या पत्नी इच्छा, पत्नी, पत्नी इच्छा, सो पत्नी इच्छा लिखते हैं. सो हम लिखेंगे पहले पत्नी, ओके,
पत्नी प्लस इच्छा, पत्नी प्लस इच्छा, यहां पे आ गया ई, ओके, बड़ी और प्लस ई छोटी, सो यहां बड़ी और छोटी ई आया, तो इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई। सो आप कैसे लिखेंगे पत्नी इच्छा, सो आप यहां पर पत्नी प्लस इसे इच्छा को काट, पीछे को काट कर पत्नी इच्छा, ओके पत्नी इच्छा। सो हम यहाँ पे पूरा जब लिखेंगे ये नहीं, तो इसे लिखते वक्त आप लिखेंगे पत्नी इच्छा, ओके सो ये आपका आंसर हो जाएगा पत्नी इच्छा। तो नेक्स्ट वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू हियर, वन मोर एग्जाम्पल, भू भू भूर्जा, सो दिस इज ओके भूर्जा। नाउ इफ यू संधि विच्छेद करते हो, जब इसका संधि विच्छेद करेगा भू प्लस ऊर्जा, आई टोल्ड यू बिफोर ओनली ऊ का ऊ, सो हियर हाउ मेनी आर देयर, देयर विभाजन हम लोगों ने किया आ आ ई ऊ रि री, सो री भी यदि मिलेगा तो आपको इसी तरह से विच्छेद करना, सो यहाँ यू जस्ट आइडेंटिफाई द विच साउंड इज कमिंग, भूर्जा भू ऊर्जा, सो ऊ साउंड इज कमिंग और नॉट, सो यू हैव टू जब संधि विच्छेद करते वक्त यहाँ पे भूर्जा, तो भूर्जा आने के बाद ऊर्जा जो साउंड आ रहा है ऊ, तो ऊ आने की ऊ आने से आपका ऊ होने की वजह से आप इसे हम लोग कैसे लिखेंगे भूर्जा। सो दैट्स व्हाट ऑलवेज यू रिमेम्बर दिस वन कि दिस इज कॉल्ड दीर्घ संधि, ओके। सो नाउ गुण संधि, सो गुण संधि इज व्हाट, गुण संधि का मतलब जिसमें जिसमें इसमें भी आ आ आएगा, इसमें भी आपका आ आ, ओके आ आ ही होगा और ई ई होगा, ई ई, ओके सो ई ई, ऑलवेज यू रिमेम्बर दैट ई ई होगा, ओ ओ यहां भी है ओ और री, ओके सो री होने की वजह से इसको हम क्या करेंगे, अभी हम इस आ को आ ही रहेगा, बट ये जो ई है इसको हम चेंज करेंगे ए में, ई ई इट विल चेंज इन अ वी, सो वी हैव द सन ए में, और ऊ ऊ इट विल चेंज इन ओ, रिमेंबर दैट, ओके इट विल चेंज इन ओ, and this re it will convert into ar, okay so ye is tarah aapko kahin bhi nazar aat, matlab jab pronunciation karte waqt aap ye pata chal raha hai ki yahan pe a ki matra, a ki sound aa raha hai, o ka sound aa raha hai, so that is in gun sandhi, okay like example I'm just giving for an example, like you can see वार्षिक क्या होगा यहाँ पे, वार्षिक उत्सव, ओके सो वार्षिक उत्सव, वार्षिक उत्सव जब देखा है आपने वार्षिक उत्सव तो कैसे होगा, पहले वार्षिक, तो हम इसे लिखेंगे वार्षिक प्लस उत्सव ना, वार्षिक प्लस उत्सव, तो यहां हमें ओ की मात्रा दिखाई दे रहा है कि नहीं, ओ सो दैट्स व्हाट, इससे हम जब वार्षिक उत्सव जब भी हम देखते हैं उत्सव, सो यू हैव रिमेम्बर कि हाँ उत्सव ये कन्वर्ट ये चेंज होता है ओ में, सो चेंज होने से आपको इन एग्जाम इफ दे वर नॉट गिविंग जस्ट दे आर गिविंग वार्षिक एंड उत्सव, सो वार्षिक उत्सव देन यू हैव टू मेक इट, इट इज कन्वर्टेड दिस ओ इज गो टू द
किस में चेंज हो जाएगा, वो ओ में, ओ सिर्फ गुण संधि में, ठीक है। चेक, यू हैव टू चेक गुण संधि। यदि यही पे कहीं ई होता तो वो क्या चेंज हो, किस में चेंज होता रहा, ई होता तो ए में चेंज होता, यदि री होता तो अर में चेंज हो जाता था। सो दीज आर एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट इज विद्युत संधि। विद्युत संधि में क्या होता है, विद्युत संधि हियर जैसे कि हम, हमारा विभाजन है आ आ, ये आ तो आ ये हमेशा सब में है, यहां भी है तीनों, ओके। दिस थ्री देयर, ये कॉमन है आ आ, सो देयर कॉमन इज आ आ। नाउ ए, एक यहाँ पे ए आएगा, इसका जो दीर्घ संधि का है विद्युत संधि का ए और आई, तो इसका क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू आई, आई की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ओ आओ, ओ आओ, सो इट इज कन्वर्टेड इनटू आओ। सो नाउ एनी एग्जाम्पल, नाउ एनी यू आर गिविंग लाइक, यहाँ पे देते हैं लोक, एग्जाम्पल लोक प्लस एसन, लोक प्लस एसन मतलब लोक प्लस एसन। सो यहाँ पे लोक प्लस एसन कहा, वहां पे कहा गया है जैसे कि आपको कैसे कहा गया, जहां भी ओ की मात्रा हो, पहले फर्स्ट वन दिस इज ओ की मात्रा साउंड, सो दैट ओ की मात्रा, ओ इज अ चेंजिंग इन आउ एंड ए इज चेंज इन टू आई, राइट। तब इसको आप कैसे लिखोगे, लव कैसन, ओके लव कैसन, सो लोकेशन, ओके। सो दिस ओ की मात्रा इज चेंज इन टू आउ, दिस ए की मात्रा चेंज इन टू आई, सो दैट वर्ड इज लोकेशन, लोकेशन, ओके। सो दीज आर, दिस इज दिस एग्जाम्पल विद्युत संधि। नाउ यन संधि, सो इन यन संधि में क्या होता है, यन संधि में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी सब स्वर जा चुका है, बिकॉज ऑल इन ले चुका है सारा, तो यहाँ पे इतना, सो दिस ऑल स्वर हु हैज टेकन दिस थ्री, ओके। नाउ रिमाइनिंग विच वन इज देयर, दीज आर रिमाइनिंग आर देयर, ओके। सो ए आई ओ आउ इट इज देयर, सो देन व्हाट दे विल डू, दिस यन संधि एंड अयादि संधि, देन अयन संधि और अयादि संधि, यहाँ पे क्या कहते हैं कि पहला शब्द का अंतिम वर्ण बनना, यानी यहाँ पे जब यन संधि इस इनसे पूछता है क्या आप पहला संधि का अंतिम शब्द बनोगे, पहला शब्द का यानी फर्स्ट लेटर का आप अंतिम शब्द बनोगे, तो यहाँ पे इसे तब उन लोगों ने, तब यहाँ पे कैसे अंतिम शब्द क्या होगा, यहाँ हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ कन्वर्ट करते हैं यन संधि का ई ई ई, ओके। द ई इज कन्वर्टेड इनटू कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी यहाँ पे मतलब ये कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर, तो ये ई को हम क्या लिखेंगे, ऑलवेज यू रिमेंबर दिस ई इज कॉल्ड या इन यान संधि, ओके इन यान संधि ई, ओके। एंड अगेन ओ दिस इज कन्वर्टेड इनटू इन हियर वा, सो हियर दिस या इज नॉट फुल या, हियर हम इसको हलंत यूज करेंगे, हाफ या होगा और यहां पे ये ओ होगा वा हलंत, ओके। नाउ री का हम यूज इस्तेमाल करेंगे, री को यहाँ पे फिर से उन्होंने री का इस्तेमाल किया है
और री को उन्होंने कहा रा, वो भी हाफ हाफ रा. सो दिस यू हैव टू रिमेम्बर ऑलवेज. ओके हियर सो दे हैव टेकन अंतिम स्वर, मतलब कोई भी भिन्न स्वर. भिन्न स्वर मतलब यहाँ पे अलग स्वर होता है. देखो प्रीवियस फर्स्ट हमने क्या किया, आ आ आ प्लस आ ना, आ का आ आता है, ऊ का ऊ, ऊ का मात्रा आ रहा था, इस तरह से हमने देखा था. उसके बाद तो री 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 का री आ रहा था, मात्रा ना चेंज नहीं किया था. उसके बाद आपने देखा होगा कि हमने गुण संधि में ई ई को क्या किया, कन्वर्टेड इनटू ए, और ऊ ऊ को कन्वर्टेड चेंज किया था ओ ओ में. उसके बाद री को आर में. उसी तरह हमने वृद्धि संधि में क्या किया था, ए ई ई को क्या किसमें हमने चेंज किया, ए उसमें ई नहीं था, हमने वृद्धि संधि में आई लिया था, आई ए आई को हमने आई की मात्रा चेंज किया और ओ औ को औ की मात्रा में चेंज किया था वृद्धि संधि में. और यहाँ पे हम इसको कैसे एग्जाम्पल देंगे, we give some example here, like Anu plus Asan, Anu plus Asan. तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे Anu Anu Asan, Anu Vesan. Why Vesan? Why Vesan? Because here वा या मात्रा दे हैव गिवन, करेक्ट, उसे हाफ दिया था जो वा या वा और रा का मात्रा. सो उस मात्रा को हम लोग यहाँ यूज कर सकते, यानी ए का जो हम उसको आ में वा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं. नाउ द या तो अन्वेषण, ओके अन्वेषण नॉट अन्वेषण अन्वेषण. देन नेक्स्ट वन that next one is ayadi sandhi. Okay, ayadi sandhi, ayadi sandhi also same. Ayadi sandhi में क्या होता है, ayadi sandhi वो sandhi है जिसमें कोई भी भिन्न स्वर, यहाँ अभी कोई स्वर नहीं है, एवरी सब कुछ खत्म हो चुका है. Now just in this ayadi sandhi में यही है, a i o a d, ये स्वर ही है. तो अब इस स्वर को यहाँ पे उसने कैसे चेंज किया है, भिन्न स्वर कैसे, कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी स्वर, यहाँ पे उसने आई का ए का ये चेंज किया उसने, और आई को चेंज किया है इसमें, ये है हलंत यूज करना, और इसे चेंज किया था वाव, और इसे उसने चेंज किया आओ. ओके सो दिस, अब इसे कोई भी एग्जांपल, जस्ट वी कैन टेक एग्जांपल. सी आई 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 आओ आओ. नाउ एग्जांपल कैसा होगा, जैसा कि नन्ना ने प्लस अन. ओके ने प्लस अन, सो क्या कैसे हम चेंज करेंगे उसको, नेम नेम. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ने प्लस अक, तब इसको हम क्या, ने प्लस अक को हम कैसे बोलेंगे, नई है यहाँ पे, नई नई प्लस अक, सो नायक नायक. सो आई टोल्ड यू या आई या का मात्रा आता, या साउंड इज कमिंग ऑन नॉट नॉट वा वा एंड या, राइट, आई आई आओ आओ द साउंड. नाउ इसको हम कैसे लिखेंगे, नायक. सो दीज आर चिल्ड्रेन दीर्घ संधि, गुण संधि एंड वृद्धि संधि, यंग संधि और आयादि संधि. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. सो विल मीट अगेन नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय.